जब धैर्य और हिम्मत बिल्कुल जवाब देते और दुनिया से लड़ने का साहस लगभग खत्म हो जाए, तब अगर कोई आपकी बात सुनने के लिए आपके पास पहुंचता है और धैर्य से आपकी परेशानी और आपका दर्द समझता है, तो तस्वीर ये होती है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आज राहुल गांधी मणिपुर के मोईरांग में एक राहत शिविर में रह रहे प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान एक लड़की बीते 60 दिनों में मणिपुर की खूबसूरत धरती पर जो खौफनाक हिंसा हुई है उसका दर्द बयां करते करते बुरी तरह टूट जाती है और आंखों में आंसू का सैलाब बहने लगता है। इस दौरान राहुल गांधी पूरे धैर्य के साथ लड़की की आपबीती सुनते हैं और फिर बेहद सहज तरीके से आसपास के लोगों को ये भरोसा देते हैं कि मणिपुर में इस हिंसक रात की जल्द सुबह होगी। और राहुल का ये संदेश जब पास खड़ी महिला लोकल भाषा में राहत शिविर में रह रहे प्रभावित लोगों को समझाती है, तो पूरा राहत शिविर उम्मीद की किरण के साथ तालियां बजाने लगता है। मोईरांग के राहत शिविर में राहुल गांधी ने प्यारे प्यारे और बचपन में हिंसा की मार झेल रहे उन बच्चों से भी बात की जिनका बचपन और उनकी मासूमियत हिंसा के खौफ में और डर के साए में बीत रहा है।